अर्ज किया है किसी थिक पेस्ट को नीचे गिराने को इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉक एंड फॉर टुडे वीडियो मैं बनाने वाली हूँ पूरी ब्लॉक। सो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज आयशा एंड फॉर टुडेज वीडियो मैं बनाने वाली हूँ एक पूरी ब्लॉक। तो खाने वाली पूरी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ पूरी। एक उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है तो हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं, मतलब हम लोग हर साल जाते हैं पर 2 साल से नहीं गए हुए हैं कोरोना की वजह से। तो अभी मेरी दीदी का सितंबर में एग्ज़ाम है तो उस वजह से हम जा रहे हैं दर्शन करने, और वहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे तो मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप उड़ीसा से हो तो, अगर नहीं हो तो फिर मैं आपको बाद में डिटेलिंग में बताऊँगी। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कल हम लोग जाने वाले हैं पुरी में, और आई जस्ट होप कि आप लोग मेरे ब्लॉगिंग स्किल्स को ज़्यादा जज ना करें क्योंकि मुझे पता है कि मैं ब्लॉग बहुत बेकार बनाती हूँ। मैं पहले भी काफ़ी सारे बना चुकी हूँ पर मैंने उनको पोस्ट भी नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि यार मैं बस बच्चों वाले ब्लॉग्स बनाती हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगी कि कल अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँ और आपको दिखाऊँ, ठीक है। और अभी रात हो रही है और कल आई थिंक रात की, कल रात के 3 बजे हम लोग उठेंगे, उठ के हम लोग जाएंगे, मतलब उठ के ऐसे ही चले जाएंगे, उठ के रेडी वेडी होके 4 बजे हमारी कार आएगी तो हम लोग जाएंगे। तो या अगर आपको पूरी ब्लॉग देखना पसंद है यार देख ही लो, अगर आप कोई जगह नहीं हो तो भी देखो। तो यार गाइस बहुत होगी बातें, अब आप देखो कि क्या करने वाली है। तो गाइस अभी सुबह हो गई है और मैं भी ब्रश करके मतलब ब्रश कर चुकी हूँ पर नहा ही नहीं हूँ और मैं चुड़ैल लग रही हूँ मुझे पता है। और अभी लिटरली कितने बज रहे हैं भाई साहब, 3:50 AM बज रहे हैं अभी, और मैं आई थिंक 3:30 तक उठ गई थी और तब तो मैं ब्रश कर रही थी क्योंकि मैं बहुत ही आलसी हूँ। और अभी मुझे तैयार भी होना है तो मैं आपसे मिलती हूँ तैयार होने के बाद। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने पहना है ये वाला वाइट कलर का टॉप और ये सब पहना है मैंने, और मैंने ये वाला भी पहना है, ये वाला प्यारा सा वाटरमेलन रिंग कुछ समरी वाइप्स के लिए और ये ब्रेसलेट। आते ही बहुत बुरी तरीके से खाना खा के सो गई थी
तो इस वजह से मैं शो शूट नहीं कर पाई। और लिटरली मैंने मतलब मैंने हमने कल रात के 1 बजे डिनर किया था, क्योंकि हम लोग आते ही सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थकान हो रही थी। और आप सोच रहे हो कि मैंने पूरे व्लॉग में दिखाया क्या है, बस एक बीच। तो मैंने बीच इसलिए दिखा दिया आपको क्योंकि हमने ना मतलब किसी भी मंदिर के अंदर ना हमें मोबाइल अलाउ ही नहीं था, तो फिर हम रिकॉर्डिंग कैसे करते। तो इस वजह से मैं आपको बस एक छोटा सा बता रही थी कि हमने क्या किया है। तो सबसे पहले तो हम गए और फिर जाके हमने बहुत सारी मतलब क्या बहुत सारी नहीं मतलब मैंने सबसे पहले जाके मैं जगन्नाथ मंदिर गई, वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, लाइक बिल्कुल ही भगवान जी के पास जाने दे रहे थे वो लोग। और चेकिंग बहुत ज़्यादा ही कड़क थी, सैनिटाइज़र लगाओ ये लगाओ लगाओ, पर फिर भी बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग जैसे ही जगन्नाथ मंदिर से बाहर आए, मतलब बाहर नहीं आए, हाँ जगन्नाथ मंदिर के मतलब अंदर ही अंदर उसके ना वो था क्या बोलते हैं लक्ष्मी मंदिर वगैरह था, हम लोग वहाँ पे भी घूमे, बहुत घूमे और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे उसके अंदर, तो हम लोग वहाँ पे घूमे। और फिर हमने क्या किया क्या किया, फिर हम लोग वापस गाड़ी में बैठ गए, फिर हम लोग बीच गए जो कि आप लोगों ने देखा है व्लॉग में। और बीच जाने के बाद हम लोगों ने मतलब बीच में बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारे खरीदी की, मतलब बहुत सारे खरीदी नहीं की हमने कुछ सॉरी हमने आइसक्रीम ली और बहुत ज़्यादा मस्ती करी। और हमने फिर क्या किया कि हम लोग गाड़ी में बैठे और फिर चले गए माता रानी के पास दर्शन करने, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया। और फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग वापस से एक माता रानी के पास गए और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया, वहाँ पे हमें प्रसाद भी मिला, दाल चावल ये सब। और फिर हम लोग बैठ गए और फिर हम लोग वापस से एक और माता रानी के पास गए और वहाँ पे भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। लाइक लिटरली हम लोग क्या बोलते हैं माता रानी ना एकदम है मतलब क्या साड़ी उसको पहना रहे थे वो लोग, उनको पहना रहे थे और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग कहाँ गए, या आई थिंक एक और मंदिर गए थे हम लोग फिर, और वहाँ पे हमें वो दिखा था क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं एक बोटिंग एरिया टाइप का था, वहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग बोटिंग करेंगे, पर दीदी ने मना कर दिया कि मैं नहीं बोटिंग करूँगी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है, अगर तबीयत ख़राब हुई तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग आएँगे और फिर बोटिंग करेंगे। और फिर हम लोग ये सब देख वेख के गए गाड़ी में बैठे और फटाफट निकल लिए घर की। और वहाँ पे हमने रास्ते में क्या रास्ते में बहुत सारी का मतलब क्या सारी तो नहीं पर हमने थोड़ा सा थोड़ा बहुत इवनिंग स्नैक्स ले लिया जैसे कि समोसे बड़े ये सब। और फिर हम लोग निकल पड़े जाने के लिए घर, और घर जाके हमने रेस्ट किया। और वहाँ से ना मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ ये वाली ब्रेसलेट मेरी, ये देखो ये मुझे बहुत सही लग रही थी यार, क्योंकि ये जो इसके बीच बीच में ये सिल्वर वाला स्टोन है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और उनके बाद में ये वाले कलरफुल स्टोन से तो ये ज़्यादा क्लासी भी नहीं है और ज़्यादा ही वो क्या होता है ज़्यादा क्लासी भी नहीं है या फिर ज़्यादा सिंपल सा भी नहीं है। तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, देखो देखने में कुछ ऐसा है। आई डोंट नो कैमरे की क्वालिटी इतनी बकवास क्यों है, पर कोई बात नहीं, तो ये कुछ ऐसी है देखने में। और फिर मेरे दीदी ने ये ले लिया था, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, बट ये सिल्वर कलर का होता है ना मुझे कितना ढीला हो गया यार, एक चीज़ दिखाऊँ आपको मेरा यहाँ पे भी फिट हो रहा है यार, यार ये कितना बड़ा सा है, मेरी दीदी को भी ढीला होता है ये। और देन मैंने ये ले लिया है ये बबल स्टिक, मुझे ना बचपन में बबल फुलाना बहुत अच्छा लगता था पता नहीं क्यों, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बचपन की यादें ताज़ा करी जाए और ये ले ली जाए, तो मैंने इसको लिया है। ये ब्रेसलेट और ये वाली मैंने ली है जगन्नाथ मंदिर के बाहर से, वो ठेले लगते हैं वहाँ से। और ये वाली बबल स्टिक ली है मैंने जो हम लोग माता रानी के मंदिर गए थे वहाँ से। और
और ये वाली मुझे मेरी दीदी के लिए एक क्लचर भी आया था वैसे ब्लैक कलर का, और वो भी हमने माता रानी के पास से लिया था, और वो अभी उसको पहन के बैठी है तो मैं उसको दिखा नहीं सकती। तो या यही सब है, हम यहाँ पे यही सब लेने के लिए आए हैं। दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, हम लोग बहुत घूमे, बहुत अच्छा लगा। और अगर आप सोच रहे होगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चला क्या है क्या नहीं, तो एंड में मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगी ढेर सारी, आप वहाँ से जाके मतलब वहाँ से जाके भी वहाँ पे हम लोग आप लोग देख सकते हो कि हमने क्या क्या मस्ती की, क्या क्या किया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, एंड तक रुक के जाना जिससे कि आप मेरे फ़ोटोज देख सको। तो देखो, मजा आ रही हूँ।